तो कहा जाता है कि एक बार एक गांव का मुखिया था जो अपनी जमीन के ऊपर एक नया मंदिर बनवा रहा था, और रोज वो निरीक्षण करने जाता था, देखने जाता था कि जो मजदूर लगे हुए हैं वे कैसा काम करते हैं। तो इस दिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पकार के सामने एक ही भगवान की बिल्कुल दो प्रतिमाएं हैं और एक नई प्रतिमा वो बना रहा था। तो मुखिया ने पूछा उससे कि भाई एक ही भगवान की हमें दो प्रतिमाएं तो चाहिए नहीं, फिर हम दूसरी मूर्ति क्यों बना रहे हैं? इससे शिल्पकार ने जवाब दिया कि सर वो पहली वाली थोड़ी ठीक नहीं बनी थी, मैं उससे खुश नहीं था, इसलिए मैं दोबारा से उसे बना रहा हूं। तो मुखिया ने पूछा कि ये मूर्ति भाई हमें कितनी ऊंचाई पर रखनी है? तो शिल्पकार ने जवाब दिया सर ये एक पिलर पे जाएगी जो 20 फीट ऊंचा है। तो बोला यार उस पे तो कोई भी देखकर नहीं जान पाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या इसमें। तो देखने पे, निरीक्षण करने पे उसने देखा कि बिल्कुल नाक पे उसके एक छोटा सा एक जो था छोटा सा डिफेक्ट था। तो बोला 20 फीट के ऊपर पिलर के ऊपर लोग नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम दोबारा से इसे बनाने की जो एफर्ट लगा रहे हैं उसको रहने दें। तो ये सुनकर शिल्पकार हंसकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला सर आप सही कह रहे हैं, लोग नहीं जान पाएंगे, पर मैं जानता हूं और मेरा परमात्मा जानता है और मेरा ईश्वर जानता है कि मेरा काम ठीक से नहीं हुआ, इसीलिए मैं दोबारा से जरूर बनाऊंगा। दोस्तों ये कहानी काफी पुरानी है पर हर बार इसको सुनने के बाद मुझे यही सीख मिलती है। नंबर वन, आप अपने चुने गए काम में एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस करें, गर्व महसूस करें आपका काम जो भी हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी एक कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है जिन्होंने कहा इवन इफ यू आर अ स्वीपर स्वीप द फ्लोर्स लाइक माइकलएंजेलो पेंटेड। आप चाहे स्वीपर ही क्यों ना हो अपना काम ऐसा करें कि भगवान भी देखकर रुककर बोले भी यहां एक ऐसा स्वीपर रहता था जो अपना काम अच्छे से करता था, फिर मजा आता है। अपने काम में गर्व महसूस करें, उसको अच्छे से करें और मेरा आपसे वादा है कि जहां दीवारें होंगी वहां आपके लिए रास्ते बनेंगे, दरवाजे बनेंगे, क्योंकि आदमी वही आगे निकल पाता है जो अपने चुने गए काम को एंजॉय करे, उसमें सेंस ऑफ प्राइड फील करे और उसको अच्छे से करे। देखने के लिए धन्यवाद।